नागपुर शहर के पाचपौली पुलिस थाना के डीवी पतक को गुप्त सूचना मिली कि टेका नई बस्ती परिसर में गोवंश का अवैध परिवहन कर तस्करी के लिए लाया है। ऐसी जानकारी प्राप्त होते ही पुलिस ने आरोपी इकबाल अहमद कुरैशी के घर छापामार कार्रवाई कर चार गोवंश को रेस्क्यू किया, जिसकी कीमत करीब 90,000 बताई गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने आरोपियों से चाकू और अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस ने मवेशियों को बरामद कर धनतुली के गौरक्षण भेज दिया है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। कल गोपनीय खबर के हिसाब से हमारी डीबी टीम और एपीआई खंडा रहे, इन्होंने दो पंच के साथ में जो है टेका नई बस्ती में वहाँ पे इकबाल अहमद कुरैशी इसके घर में रेड किए। वहाँ पे चार जीवंत जानवर मिले हैं जिंदा, तो उसका अंदाजन कीमत 90,000 का है और उसमें जो काटने वाले इस्तेमाल करने वाले चाकू वगैरह जब्ती की है और उसमें आनंद कुमार खंडर एपीआई शेंडे दरवारे ताइडे ये हवलदार और डबरे राकेश कोसरे और फरताड़े ये अमलदार शामिल थे। नहीं नहीं, ये उसका आरोपी का इसके पहले गुनाह दाखिल नहीं है और अंदाजन ये चार जानवर का कीमत 90,000 का है। वो रक्षण में देखभाल के लिए हम जो प्रोसीजर है गवर्नमेंट के रूल से उसके हिसाब से उसको देखभाल और जिंदा रखने के लिए जो गौ रक्षण में भेज दिया गया। महान्यूज 7 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट विशाल बंबड़वार के साथ सोनल खुर्गे, नागपुर।